सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरक्षण के 50% सीमा तय किए जाने के बाद से ओबीसी समाज का राजकीय आरक्षण धोखे में आने की बात करते हुए डॉक्टर बबन राव तायवड़े इन्होंने राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ से इस्तीफा देने की घोषणा पत्र परिषद लेकर की। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद ओबीसी आरक्षण का मुद्दा यह राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में न रहते हुए केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में जाता है। मात्र केंद्र सरकार ही संविधान संशोधन कर 50% से आरक्षण सीमा बढ़ाकर ओबीसी का 27% आरक्षण सुनिश्चित रख सकता है, यह बात उन्होंने कही। तो वही ओबीसी जनगणना, संविधान संशोधन और सुप्रीम कोर्ट की 50% आरक्षण सीमा रद्द करने की मांग उन्होंने की। मांग पूरी न होने पर राज्यव्यापी तथा देशव्यापी आंदोलन करने का इशारा भी उन्होंने दिया है। हे बघा, सध्या ओबीसींचं राजकीय आरक्षण हा विषय संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये फार चर्चेला जात आहे। आजपर्यंत आमच्या ओबीसींना संविधानिक 27% आरक्षण 1994 पासून राजकीय आरक्षण मिळत होतं। 4 मार्च 2021 सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार SC ST आणि ओबीसींचं एकूण मिळून आरक्षण 50% वर देता येत नाही असा निर्णय आल्यामुळे आणि त्यांनी त्या टेस्ट सांगितल्यामुळे की बा डेडिकेटेड कमिशन इम्पेरिकल डाटा आणि पण तिसरी मर्यादा टाकली की एकूण आरक्षण 50% वर जाता कामा नये। महाराष्ट्र शासनाने मला जे आयोगावरती काम करण्याची संधी दिली होती राज्य मागासवर्ग आयोगावर, त्याला डेडिकेटेड कमिशन म्हणून महाराष्ट्र शासनाने जबाबदारी दिली। ही जबाबदारी मिळाल्यावर मी जेव्हा हा सर्व अभ्यास केला तेव्हा माझ्या लक्षामध्ये आलं की आयोगाने कितीही काम केलं, राज्य सरकारची कितीही इच्छा असली तरीसुद्धा राज्य सरकार किंवा राज्य मागासवर्गीय आयोग ओबीसींचा 27% आरक्षण देऊ शकत नाही। आणि ज्याकरता राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ, ज्याचा मी अध्यक्ष आहे, मागील अनेक वर्षापासून सातत्याने संघर्ष करत आहो की आमचं 27% आरक्षण कायम राहावं, ते जर मी त्या आयोगावर राहून समाजाला देऊ शकत नसेल तर त्या आयोगावर राहण्याचा मला नैतिक अधिकार नाही। आणि म्हणून मी या पदाचा राजीनामा देऊन आमचं जे 27% राजकीय आरक्षण आहे हे आरक्षण फक्त आणि फक्त केंद्र सरकार देऊ शकते, ते संविधानाच्या कलम 243(d) आणि (t) सबसेक्शन 6 अमेंडमेंट करून की ज्या सेक्शनप्रमाणे हे राजकीय आरक्षण ओबीसीला मिळालं आहे त्यामध्ये अमेंडमेंट करावी, 50% मर्यादा शिथिल करावी आणि येणाऱ्या जनगणनेमध्ये ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करावी। हे 3 मुद्दे घेऊन आम्ही आता राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या माध्यमातून ओबीसीच्या संविधानिक अधिकारासाठी लढा देणार। त्याकरता येत्या 22 सप्टेंबरला आम्ही महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यातून जिल्हाधिकाऱ्याच्या मार्फत माननीय राष्ट्रपती, पंतप्रधान, सामाजिक न्यायमंत्री आणि इतर मंत्र्यांना निवेदन पाठवणार, 1 महिन्याची वेळ देणार आणि त्या 1 महिन्यामध्ये जर केंद्र सरकारने तशा प्रकारच्या दुरुस्ती केल्या नाही तर राज्यभर आणि देशभर आम्ही आंदोलन करणार आहे। ये मजदूर कहाँ थे कातिया, लोहा पिघला कर उसका आकार बदल देता है। ये मजदूर कहाँ थे कातिया, लोहा पिघला कर उसका आकार बदल देता है। मजदूर का हो या डॉक्टर का, हाथ तो धोना पड़ेगा ना। मम्मा, साबुन से नहीं। है नेचर ग्रीन का हैंड वॉश, ये मारे हाथों के जम्स करता है प्रोटेक्ट, ये है नेचर ग्रीन का हैंड वॉश। ये डिस्ट्रीब्यूटरशिप और स्टॉकिस्ट के लिए संपर्क करें 800-700-6520। एकदंत वक्रतुंड लंबोदर विनायक गजानन, ऐसे महाराष्ट्र के आराध्य दैवत और हम सभी के लाडले बाप्पा गणपति बाप्पा हो रहे हैं विराजमान। अगर आप भी अपने घर, मंडल और सोसाइटी में करते हो बाप्पा की स्थापना तो महाराष्ट्र टीवी 24 से करें संपर्क। हम आएंगे आपके सोसाइटी, मंडल या घर और दिखाएंगे आपके मंडल और बाप्पा की विशेषताएं। नियमों का पालन कर होगी मस्ती मजा के साथ बाप्पा की भक्ति, तो राहत इस बात की देख रहे हो। रजिस्टर करें अपना मंडल, सोसाइटी या फिर अपना नाम। संपर्क करें 7122552656 या
9225225154 पर और मनाइए गणेश उत्सव महाराष्ट्र टीवी।